नमस्कार श्रोताओं, एक बार योजन गंधा के शरीर की गंध से मोहित होकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु उसको तलाशते हुए उसके घर पहुंच गए थे और उन्होंने योजन गंधा के पिता निषाद राज से उनकी बेटी के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। परंतु तब निषाद राज ने विवाह की ये शर्त रख दी कि उनकी बेटी योजन गंधा का पुत्र ही उनके बाद हस्तिनापुर का राजा बने तो वो इस विवाह को स्वीकार कर सकते हैं। परंतु राजा शांतनु के उनकी पत्नी देवी गंगा से उत्पन्न एक पुत्र था जिसका नाम देवव्रत था और वो देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज बना चुके थे, इसलिए राजा शांतनु ने निषाद राज की उस शर्त को स्वीकार नहीं किया और उस योजन गंधा की यादों में अंदर अंदर ही घुटने लगे थे। ये बात जब उनके पुत्र देवव्रत को पता चली तो उसने निषाद राज के पास जाकर कहा कि वो अपनी पुत्री योजन गंधा का विवाह उसके पिता के साथ करवा दे और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी पुत्री का ही पुत्र राजा होगा और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। अपनी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया था। उसके बाद योजन गंधा, जिसका उसके पिता द्वारा दिया हुआ नाम सत्यवती था, शांतनु के साथ विवाह करके हस्तिनापुर की रानी बन गयी थी और उसके दो पुत्र को जन्म दिया था, चित्रांगद और विचित्रवीर, जिसमें से चित्रांगद का वध एक गंधर्व के हाथों हो गया था और विचित्रवीर हस्तिनापुर का राजा बन गया था। विचित्रवीर को दो पत्नियां थीं, अंबालिका और अंबिका। परंतु राजा विचित्रवीर बिना किसी संतान को जन्म दिए ही क्षय रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उस समय वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि व्यास को याद किया और आप सभी जानते ही हैं कि महर्षि व्यास ने विचित्र वीर की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु को उत्पन्न किया था, जिनसे फिर कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।